इस फिल्म का नाम है जॉम्बी मैसेकर, जिसमें न्यूक्लियर अटैक करके जॉम्बी से देश को बचाने का मिशन एग्जीक्यूट किया जाता है। लेकिन क्या न्यूक्लियर ब्लास्ट कराना एक सही डिसीजन होगा जॉम्बीज को खत्म करने के लिए, ये फिल्म देखने पर ही मालूम पड़ेगा। तो मूवी की शुरुआत में हम एक फैक्ट्री को देखते हैं जहां पर एक लेडी वर्कर प्रोडक्शन का काम कर रही होती है, जिसके बाद ये औरत अपने घर के लिए निकलती है। इसी के बाद हमें एक आदमी दिखता है जो कार चलाते हुए फोन पर बात कर रहा होता है, लेकिन वो जिस एरिया में है वहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। फिर ये लेडी वर्कर घर आने के बाद खाना बनाती और अपने बूढ़े बाप को खिलाती। जब वो बर्तन धो रही होती है तो उसे बाहर से कुछ आवाजें आती हुई सुनाई देती है। बाहर जाने पर वो देखती है कि बादल से काला रंग का पानी टपक रहा है। इधर वो आदमी अपने दोस्त माइक को वॉइस मैसेज सेंड करता है कि मैं 5 मिनट में शहर पहुंचने वाला हूं और बाद में तुम्हें स्टेबल कनेक्शन मिलते ही कॉल करूंगा। वापस से हमें वो लेडी वर्कर दिखाई देती है जो जॉम्बी बन चुकी होती है। शहर पहुंचते ही वो आदमी देखता है कि उसके सामने की पूरी सड़क जॉम्बी से भरी पड़ी है। इन जॉम्बीज की शक्ल देखकर ये आदमी काफी डर जाते हैं, लेकिन तभी वहां वो लेडी वर्कर भी आकर इस आदमी पर हमला करती है और इसके मुंह को फाड़ देती है, जिससे पूरा शहर जॉम्बीज अटैक का शिकार हो जाता है। फिर अगले सीन में हम CIA के जनरल को देखते हैं जो अमेरिका के सेक्रेटरी को जैकस्टोन के बारे में बता रहे हैं, जिसकी उम्र 35 साल है और जिसे ढेरों मेडल्स भी मिले हैं। जैक को हाई रिस्क वाले मिशंस का स्पेशलिस्ट माना जाता है। वो बताता है कि सिर्फ जैक इस मिशन को पूरा कर सकता है। सेक्रेटरी पूछता है कि किस चीज़ के बदले जैक इस हाई रिस्क मिशन को करने को हाँ करेगा, तो इस पर जनरल बताता है कि हमें उसे आज़ादी देनी होगी। जैक ने काफी वक्त पहले एक हत्या को अंजाम दिया था, जिसके वजह से वो उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसकी 7 साल की बेटी है जिसे वो जेल से आने के बाद मिलना चाहता है, इसलिए वो मिशन के लिए मना नहीं करेगा। सेक्रेटरी पूछता है कि क्या तुम्हें जैक पर भरोसा है भी कि वो किसी को बिना पता चले इस मिशन को कंप्लीट कर लेगा। जनरल कहता है कि वो खुद रोमानिया जाकर इस मिशन को कंट्रोल करेगा और सब कुछ प्लान के मुताबिक ही होगा। जनरल कहता है कि एक्सप्लोजन इतना भयानक होगा जिससे लैब के सारे सबूत मिट जाएंगे। फिर जनरल जैक की टीम को इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसमें जॉन मैकडॉग होता है जो एक्सप्लोजन और फायर आर्म का एक्सपर्ट है। जॉन ने 1997 में कांग्रेस प्लेस को बम से उड़ाया था, जिसमें 50 से भी ज्यादा लोग मारे गए। जैक की टीम में एक और मेंबर है जिसका नाम है ड्रैगन एलिक, जो कि स्नाइपर स्पेशलिस्ट है और उसने ओसावा के युद्ध में अकेले 300 से भी ज्यादा लोगों को मार गिराया था। उसका निशाना इतना पक्का है कि वो 1 मील की दूरी से भी किसी को भी चाहे तो मार गिरा सकता है। इसके अलावा जैक की टीम में क्लोज रेंज फाइटर भी है जिसका नाम एडन शिजुका है। जब हमारे आदमी के पास बारूद कम होगा तो हैंड टू हैंड फाइट में इसे कोई भी नहीं रोक सकता है। ये लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इस प्लान को भी कामयाब करना इनके लिए कोई बहुत बड़ा चुनौती का खेल नहीं है। जनरल बताता है कि वो इस मिशन के लिए उनके बैंक अकाउंट में $2 मिलियन डालेगा और ये लोग इस मिशन के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। अगर इन्होंने इस मिशन को पूरा नहीं किया तो ये वायरस फैल जाएगा और ये जॉम्बीज अगर बाहर निकल गए तो सिर्फ कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएगी। अब तो डॉक्टर न्यूमैन भी मर चुके हैं और उनकी बेटी का भी कोई अता पता नहीं है। डॉक्टर न्यूमैन वही शख्स है जिसकी वजह से ये जॉम्बी वायरस फैलना शुरू हुई थी। अब सेक्रेटरी जनरल को इस मिशन की परमिशन दे देता है। अब हम रोजनो एयरबेस पर स्नाइपर एलिक और बॉम्ब एक्सपर्ट जॉन की बातें करते हुए सुनते हैं। यहाँ जॉन कहता है कि हर मिशन पर पैसों के लालच के कारण हम बुरी तरह फंस जाते हैं, लेकिन ये मेरा लास्ट मिशन होगा। साथ ही वो बताता है कि मैं इस मिशन के बाद समुद्र के किनारे एक रेस्टोरेंट खोलूंगा। अब दोनों की कुछ देर ऐसी बात चल रही होती है जिसे सुनकर पता चलता है कि ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और इन्होंने पहले भी काफी मिशन साथ में किए हैं। फिर जॉन एडन के पास जाकर उसे छेड़ने लगता है, उसे टीज करता है, लेकिन जब एडन उसके बैगन में चाकू लगाती है तो उसकी अकल ठिकाने आ जाती है। अब जैक के आते ही जनरल उस मिशन की इन्फॉर्मेशन देता है कि उन्हें शहर के अंदर जाना है और हमारे इंजीनियर्स ने जो बॉम्ब बनाया है उसे न्यूक्लियर रिएक्टर के जितना करीब हो सके उतना करीब प्लांट करना है एंड देन इन्हें वहां से निकल जाना है। वो उन्हें साथ में रूट्स भी समझाते हैं कि किस रास्ते पर उन्हें इन्फेक्टेड लोग मिलेंगे और किस रास्ते से वो न्यूक्लियर प्लांट की तरफ पहुंचेंगे। अब बॉम्ब को प्लांट करते ही 1 घंटे के अंदर ही उन्हें वापस बेस पर आना होगा। अगर कोई हेलीकॉप्टर तक पहुंचने में लेट होता है तो उसका मरना तय है। अब जनरल उन सभी के अकाउंट में $1 मिलियन डाल देता है और बाकी काम पूरा होने के बाद फिर जनरल जैक को पर्सनली समझाते हैं कि ये बॉम्ब ब्लास्ट एक एक्सीडेंट की तरह लगना चाहिए जिसमें पावर प्लांट फट जाएगा और रोजनो के सभी निवासी मारे जाएंगे। इस मिशन के बारे में अमेरिका के अलावा रोजनो के देश को पता नहीं चलना चाहिए। जनरल उसे प्रॉमिस करता है कि मिशन पूरा होने के बाद उसकी सारी फाइलें और रिकॉर्ड्स मिटा दी जाएंगी। फिर जैक अपनी टीम के साथ एक जीप से सिक्योरिटी चेक पोस्ट पार करके रोजनो में एंटर करता है। इधर स्नाइपर एलिक कहता है कि मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि हमें किससे बचना है और किसे मारना है, क्या वो इंसान होंगे या फिर कुछ और। अब रास्ते में उन्हें जॉम्बी पड़े हुए मिलते हैं जिनकी बॉडी को कौवे नोच रहे होते हैं। जॉन मिशन के चीफ जैक को पूछता है, आप तो देखने में अच्छे इंसान लगते हो, तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको इस झंझट में फंसना पड़ा। वो बताता है कि इस मिशन के पूरा होने पर मेरे सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को मिटा दिया जाएगा और अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट तक पहुंच जाते हैं। जॉन कहता है कि इस जगह कुछ तो गड़बड़ है,
यहाँ तो पिन ड्रॉप साइलेंस है और बस जैक उसे गेट को खोलने के लिए एक्सक्लूसिव यूज करने का ऑर्डर देता है। तभी जॉन को मरे हुए सिक्योरिटी के पास दरवाजे का कार्ड मिलता है जिसे लगाकर वो दरवाजा ओपन कर और वो यहाँ पर कहता है कि बॉम्ब को आखिरी समय तक बचाना ही परफेक्ट बॉम्बर का प्लान होता है। इसके बाद सभी एंटर करते हैं। उधर बेस पर जनरल कार्टर को यूएस प्रेसिडेंट कहता है कि इस बार ये मिशन फेल नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर प्लांट पर दिखाते हैं कि जैक स्नाइपर एलिक को अपनी पोजीशन लेने और रेडी रहने को कहता है। फिर वो जॉन को बॉम्ब प्लांट करने के लिए कहता है और खुद एडन के साथ पेट्रोलिंग करने लगता है। यहाँ एलिक अपनी पोजीशन लेता है और जॉन बॉम्ब के ब्रीफकेस को ओपन करता है। उसको पता चलता है कि ये बॉम्ब उस गाड़ी से अटैच्ड है, इसलिए वो जैक को बुलाकर बताता है कि हमें तो फंसाया गया है। जनरल कार्टर ने इस बम को गाड़ी के चेजिस और इंजन के साथ वेल्ड कर दिया होता है और साथ ही वो बताता है कि अगर इन्होंने इस गाड़ी के साथ कुछ भी किया तो टाइमर शुरू हो जाएगा। अब इन्हें यहाँ से बचकर निकलने के लिए किसी दूसरी गाड़ी की तलाश करनी होगी, इसलिए वो आसपास की गोदाम में गाड़ियों की तलाश करने लगते हैं। उधर जनरल कार्टर को सैटेलाइट की हेल्प से पता चलता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ कुछ जॉम्बीज बढ़ रहे हैं, लेकिन वो उन्हें ये बात नहीं बताता। इधर स्नाइपर एलिक जॉम्बीज को देखते ही अपनी टीम को अलर्ट कर देता है और खुद ऊपर से स्नाइपिंग करने लगता है। इधर जैक जॉम्बी से बचने के लिए कंटेनर के पीछे छिपता है और जॉन ड्रम से उन पर अटैक करके भाग जाता है। इसी बीच जैक की गन जाम हो जाती है, इसलिए वो हाथों से ही जॉम्बी से लड़ने लगता है और पत्थर से उनका सिर कुचल देता है। स्नाइपर एलिक भी एक एक करके सभी जॉम्बीज को खत्म कर रहा होता है, लेकिन तभी एक जॉम्बी एलिक को पीछे से काट लेता है। अब आखिरी दो जॉम्बीज बचते हैं जिन्हें जॉन ने बॉम्ब से उड़ा दिया होता है। फिर जॉन जैक से कहता है कि मेरे पास शॉटगन की सिर्फ 12 एमओ ही बची है। तभी एलिक वहां आता है जो इन्फेक्शन की वजह से धीरे धीरे जॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। ऐसे में एलिक उन्हें अपने सिर पर गोली मारने के लिए कहता है और जॉन को ना चाहते हुए भी उसे गोली मारनी पड़ती है। अभी अपने बेस्ट फ्रेंड को मारकर जॉन बहुत ज्यादा उदास होता है। जैक उसे समझाता है कि ये उदास होने का टाइम नहीं है, हमें बॉम्ब फटने से पहले इस शहर को छोड़कर कार्टर से बदला लेना होगा। इसके बाद तीनों न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलकर शहर की उड़ाते हैं। रास्ते में जॉन कहता है कि अगर इस बार मैं बच गया तो कार्टर को खुद अपने हाथों से मारूंगा। दूसरी तरफ कार्टर सीसीटीवी फुटेज में देखता है कि उसके सोल्जर्स शहर में एंटर कर चुके हैं। तब तक ऑफिसर कार्टर को बताता है कि हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स में कुछ दिक्कत आ गई है और मैकेनिक भी अवेलेबल नहीं है। पायलट इसको ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं मगर इसको टाइम लगेगा। इससे हमें कार्टर का प्लान पता चलता है जिसमें वो तीनों को मारने के लिए वहां छोड़कर खुद प्लेन से जाने वाला था। इधर आगे चलने पर उन्हें एक गाड़ी मिलती है, इस गाड़ी का ड्राइवर पास में ही मरा हुआ होता है। फिर तीनों गाड़ी से निकलते हैं। आगे जैक बताता है कि हमें आगे इतने सारे ज़ॉम्बीज मिलेंगे कि उनके सामने इनकी गोली बारूद भी कम पड़ जाएंगी। शहर के अंदर उन्हें एक सड़क पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज मिलते हैं जिनको ये तीनों अपने गन से मार रहे होते हैं। जाते समय जॉन को एडन लकड़ी का टुकड़ा देती है जिसे जॉन चलती गाड़ी से ही एक छोटी लड़की के सिर को उड़ा देता है। फिर वो रोजनो के पुलिस स्टेशन पर बंदूकें और गोलियां लेने जाते हैं। वहां भी उन्हें कुछ ज़ॉम्बीज मिलते हैं जिनसे जल्दी से बचते हुए वो दरवाजा बंद कर देते हैं। तीनों अलग अलग जगह गोलियां ढूंढते हैं। जैक को कुछ गोलियां मिलती है और उसे जेल में एक बंद लड़की भी मिलती है जो कि डॉक्टर न्यूमैन की बेटी समांथा न्यूमैन थी। डॉक्टर न्यूमैन यूएस आर्मी के लिए प्रोजेक्ट गाय पर काम कर रहे थे और उन्होंने ही बायोलॉजिकल वेपन बनाया था जिससे अब ज़ॉम्बी वायरस फैलना शुरू हो चुका है। जैक उसे फ्री करता है, तभी जॉन और एडन भी वहां पर आते हैं। समांथा के पूछने पर जॉन बताता है कि हम पूरी तरह से फंस चुके हैं, जान बचाने के लिए हमें यहाँ से 300 मील दूर जाना होगा नहीं तो हमारी हालत हिरोशिमा के लोगों की तरह हो जाएगी। स्टेशन के दरवाजे पर बहुत सारे ज़ॉम्बी इधर इकट्ठा हो जाते हैं, इसलिए सभी टेरेस पर जाते हैं। जनरल कार्टर स्टेशन के कैमरे में समांथा को देखते हैं और सेक्रेटरी को बुलाने का ऑर्डर देते हैं। इधर टेरेस पर जैक समांथा को पिस्टल चलाना सिखाता है और फिर दोनों ही ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। एडन और जॉन दूसरी तरफ से फायरिंग कर रहे होते हैं और समांथा बताती है कि क्लब में लड़ाई करने के लिए उसे जेल में डाला गया था, जिसके बाद जैक अपना इंट्रोडक्शन देता है कि उसने ही इस वायरस को खत्म करने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब प्लांट किया था और 30 मिनट के अंदर ही ये एक्सप्लोजन होने वाला है। समांथा कहती है कि ये कोई वायरस नहीं है, यहाँ माइक्रोबायोटिक पोशन है, इसे लैब के अंदर मेरे फादर ने ही बनाया था और यूएस गवर्नमेंट ने उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए लाखों डॉलर्स दिए थे। फिर हम पास्ट में समांथा के फादर डॉक्टर न्यूमैन को देखते हैं जो चूहों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो जनरल कार्टर को बताते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और उन्होंने जो वायरस बनाया है वो लिविंग बींग्स के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करके उन्हें एग्रेसिव बना देता है और जब उन्होंने चूहे पर इसे टच करवाया तो वो पॉइजन उन सभी के बॉडी को अंदर से खाने लगा जिससे वो और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे। डॉक्टर न्यूमैन अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए थे और कार्टर उन्हें ह्यूमन बॉडी पर टेस्ट करने को कहता है। डॉक्टर उसे इन्फेक्शन के बारे में वार्निंग तो देता है लेकिन कार्टर कहता है कि तुम अभी इंसान पर इसे टेस्ट करो और फिर बताना क्या होता है। फिर न्यूमैन समांथा को कॉल करके बताता है कि ये लोग मेरी रिसर्च को गलत तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं और वह समांथा को देश छोड़कर भागने के लिए कहता है। इधर प्रेजेंट में समांथा जैक को कहती है कि मेरे पिता ने इस रिसर्च को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने एक वैक्सीन बनाई जिसे उन्होंने उस टेस्टेड आदमी को और मुझे इंजेक्ट किया, इसलिए ज़ॉम्बी से काटने से भी मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था।
अब मौका मिलते ही सभी लोग गाड़ी से निकल जाते हैं और वो जॉम्बी बॉम्बर फट जाता है। रास्ते में दरवाजा खोलने के लिए जॉन बॉम्ब को प्लांट करता है, तभी बहुत सारे जॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं और ये जैसे तैसे करके वहां से निकलते हैं। अब हमें जैक की स्टोरी भी पता चलती है कि उसने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले अपने तीनों साथियों को मार डाला था। आगे जाने पर जब वो फ्यूल के लिए रुकते हैं तो वहां भी जॉम्बीज आ जाते हैं। वहां एक वैन में डॉग आकर इन सभी को बचाता है और उन्हें शॉप के अंदर ले जाता है। डग उसे बताता है कि मैं यहाँ अपनी वाइफ क्लेयर और कुत्ते के साथ घूमने आया था, लेकिन न्यूक्लियर के बारे में सुनते ही डग का दिमाग खराब हो जाता है। फिर डग उन्हें एक वीडियो दिखाता है जिसमें क्लेयर ने अपनी पहली बार उसकी जान जॉम्बी से बचाई थी। सभी वीडियोस देख रहे होते हैं कि तभी पीछे से एक जॉम्बी क्लेयर को काट लेता है। उसके बाद क्लेयर खुद को मार लेती है ताकि किसी और को नुकसान ना पहुंचे। अब यहां से बाहर निकलते ही जॉन और एडन जॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं और बाकी सभी वैन में बैठते हैं, जिसमें जॉम्बी जॉन को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन जॉन इस पूरे पेट्रोल पंप को ही उड़ा देता है। इधर जनरल कार्टर अपनी आर्मी को समांथा को पकड़ने के लिए भेजता है और बाकी सभी को मारने का ऑर्डर देता है। उसका हेलीकॉप्टर अभी तक सही नहीं हुआ था। अब जब जैक, समांथा और डग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर कार्टर मिलता है, जो अपने साथ जैक की बेटी क्रिस्टीन को भी लेकर आया होता है। वो जैक से उसकी बेटी के बदले समांथा को मांगता है, क्योंकि समांथा के खून में इस वायरस की वैक्सीन थी। जब समांथा उसके पास आती है तो वहां एक मॉन्स्टर ज़ॉम्बी सामने आता है, जिसे बचते हुए जैक क्रिस्टीन को लेकर डग के साथ एक वेयरहाउस के अंदर चला जाता है। जैक और डग उनके पीछे आने वाले दो आर्मी ऑफिसर्स को भी मार देते हैं। फिर डग क्रिस्टीन के साथ हेलीकॉप्टर पर जाता है। इधर मॉन्स्टर ज़ॉम्बी जनरल कार्टर को बुरी तरह मार रहा होता है और अब वो समांथा को मारने के लिए भी उसके पीछे दौड़ता है। तभी जैक आकर उसे फाइट करने लगता है और अचानक से एडन भी वहां आ जाती है, लेकिन वो दोनों मॉन्स्टर ज़ॉम्बी को अकेला नहीं हरा सकते थे। फिर डग को हेलीकॉप्टर में एक मिसाइल लॉन्चर मिलता है, जिससे वो मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ा देते हैं। इसके बाद सभी हेलीकॉप्टर में बैठकर यहां से निकल जाते हैं और टाइम पूरा होते ही न्यूक्लियर ब्लास्ट से पूरा शहर तबाह हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब ये कहानी थी ज़ॉम्बी मैसेकर की। ये फिल्म तुम्हें कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर तुम्हें ऐसी ही कोई और हॉरर रिलेटेड फिल्म्स देखनी है तो कमेंट में हॉरर लिख देना। बाय।